हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली गई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री ग्रुप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी तक हमने एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या चीज है और किस तरह से इसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में आता है, दैट विल डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वी से दैट द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल व्हिच मस्ट बी आइसोलेटेड, गैशियस ऑल्सो atom which takes or accepts an electron to form an ion or negative ion, ठीक है, it is denoted by delta EGH। बच्चों यहां मैंने लिखा energy release, most of the cases it has been observed that energy is released when electron is added, but in some cases we'll talk that energy may be required also। सो बेसिकली अभी हम बात करेंगे एनर्जी रिलीज किस तरह से। आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो गैशियस स्टेट में है, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया इट बिकम्स एन आयन इन गैशियस फॉर्म। सो जो भी एनर्जी इसमें रिलीज हुई है, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहां पे, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। That means अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, so basically इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the measurement of this energy। That means कितना इलेक्ट्रॉन वो easily accept करता है या gain करता है। So unit की बात करें, ionization enthalpy की तरह ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी has the same unit as इलेक्ट्रॉन volt per atom और किलो कैलोरी पर एटम और किलो जूल पर मोल। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का नेचर कैसा है। इलेक्ट्रॉन में जो भी ऐड हो रहा है उस एलिमेंट में, वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मींस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। But for majority of elements energy is released and thus I have written energy released, या फिर हम इस energy को जब अलग से लिखते हैं, so we'll represent it with negative sign। For example the electron gain enthalpy for halogens, जब भी हम halogens की बात करें, halogens कौन से? Halogens are group 17 elements। तो electron gain enthalpy जो भी है in halogens की, that is highly negative। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेंगे, दे अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय एडिंग और बाय एक्सेप्टिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी हाईली नेगेटिव है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नोबल गैसेस, दे हैव वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रीजन ये है कि एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है और स्टेबल कॉन्फिगरेशन से में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, देन इट बिकम्स अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन। सो दैट इज नॉट इजी, और ये स्टेबल से अनस्टेबल अपने आप नहीं होगा, इसलिए हमें इसमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। सो दिस इज द बेसिक व्हाई वी आर हैविंग समटाइम्स एनर्जी रिलीज्ड और समटाइम्स वी हैव इंक्रीज सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। नाउ विल टॉक अबाउट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो विल बी हैविंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अकॉर्डिंगली। Similarly, we'll be having electron gain enthalpy also।
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स बिकम, सपोज आपने के पास एक एलिमेंट है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सो एडिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एनायन. नाउ द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इस एनायन में अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक रिपल्जन आएगा. इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी. ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन एटम है, दिस ऑक्सीजन गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स ओ माइनस, सो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा एच जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव है. बट जैसे ही इस ओ माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन एड हुआ, इट बिकम्स ओ माइनस टू, नाउ द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, दैट मीन्स हमें इसमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ओवरकम द स्ट्रांग रिपल्जन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज एज वेल एज दिस ओ माइनस विच इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज. सो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एड करने के लिए हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी. क्लियर? अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स. सो वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स. फर्स्ट फैक्टर वी हैव इज एटॉमिक साइज. नाउ एज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का, ठीक है ना, उस वैलेंस शेल का जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, साइज बढ़ने से डिक्रीज हो गया. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. सो साइज इंक्रीज हुआ, वीक हो गया इलेक्ट्रॉन, जल्दी एड हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव. ओके, सेकेंड फैक्टर वी हैव इज न्यूक्लियर चार्ज. सो वेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर चार्ज, वी से दैट एज दिस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट बिकम्स मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. ठीक है, हियर इट बिकम्स लेस नेगेटिव क्योंकि फोर्स वीक हो गया. यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. So electron gain enthalpy becomes less negative. Here force of attraction increases and thus electron gain enthalpy becomes more negative. अब हम बात करेंगे कुछ और factors की. And next factor we have is electronic configuration. Electronic configuration पे कैसे depend करेगा? So, यहां हम बात करेंगे फिर से स्टेबल कॉन्फिग्रेशन. सो वी हैव टू कॉन्फिग्रेशन मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फिग्रेशन. सिंस दे आर मोर स्टेबल, सो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू एड एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी देनी है इसको, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. क्यों? क्योंकि ये तो स्टेबल है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को उस स्टेबिलिटी को ब्रेक करना पड़ेगा. And thus energy is absorbed. Energy is absorbed. It means they become with positive value. That means we can say in such cases where we are having stable configuration, they do not accept the additional electron so easily. वो electron को इतना easily attract नहीं कर पाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया? So ये हमारे कुछ factors थे जो electron gain enthalpy को affect करते हैं. अब हम बात करेंगे वेरिएशन. सो वी हैव वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
फर्स्ट अगर हम वेरिएशन की बात करें पीरियड में, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट. सो हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. लेट मी राइट इट्स वैल्यूज. लिथियम इज विद माइनस, बेरिलियम बिकम्स प्लस, बोरॉन अगेन माइनस, कार्बन माइनस 122, नाइट्रोजन बिकम्स प्लस, ऑक्सीजन माइनस 141, फ्लोरीन माइनस 328 एंड नियॉन बिकम्स प्लस 116. नाउ जहां जहां आपके पास प्लस आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. यहां आपके पास प्लस आ रहा है बेरिलियम में, नाइट्रोजन में एंड नियॉन में. अब आप मुझे रीजन बताएंगे. यहां रीजन है फुलफिल्ड कॉन्फिग्रेशन 2s2, यहां रीजन है हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन 2p3 एंड हियर वी आर हैविंग अगेन फुलफिल्ड कॉन्फिग्रेशन 2p6. अगर हम इन तीन एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशंस को, बिहेवियर को छोड़े, देन वी सी दैट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, सिंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड दस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. ठीक है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव. नाउ विल टॉक अबाउट ग्रुप. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप लेट अस डिस्कस द वैल्यूज. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. हाइड्रोजन इज विद माइनस 73, माइनस 60 ये वैल्यू, माइनस 53, माइनस 48, माइनस 47, माइनस 46. सो इट्स बीन ऑब्जर्व दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. सो वी कैन सी माइनस 73 से होते होते ये माइनस 46 तक आ गया. सो इट बिकम्स लेस नेगेटिव. क्यों? क्योंकि यहां हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके एटॉमिक रेडियाई से और यहां कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन जहां जहां थे वो मैंने आपको बताया. अक्रॉस द पीरियड वेयर वी आर हैविंग चेंज इन द कॉन्फिग्रेशन वी ऑलवेज फाउंड एक्सेप्शंस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दैट इज अगेन एन एक्सेप्शन. So let us discuss this case also. Fluorine and chlorine. The value of fluorine is minus 328. ठीक है? And the value of chlorine is minus 349. जबकि on moving down the group, it becomes less negative. But here in the case of chlorine, it becomes more negative. So negative क्यों है? यहां हम बात करेंगे. And the reason is more repulsion found in small size of fluorine. And thus electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. The same reason is observed with oxygen and sulfur also. Oxygen is minus 141 kilojoule per mole and sulfur is minus 200 kilojoule per mole. So this way we observe that again we are having exception. So among all the elements in the periodic table, we observe that chlorine is the most negative electron gain enthalpy element. Clear? So this all about is electron gain enthalpy. And next class we'll talk about electronegativity. So please like and share this video and subscribe this channel. Thank you.